सिद्धू मूसेवाले नूं इंसाफ मिलन दा मुद्दा है जिहड़ा एक बार फिर तो भक चुका है। जी हाँ, संसद विच लुधियाणे तो सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग दे वल्लों बड़े ही जोरदार तरीके नाल इस मुद्दे नूं चुकिया गया। उन्होंने दस्या कि इस तरीके नाल सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब दा नौजवान सी अते नौजवान पीढ़ी नूं किस तरीके दे नाल प्रेरित करता सी, उसकी मौत हुए नूं है जिहड़ा 2 साल हो चुके ने पर इंसाफ किते भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने वल्लों यह मुद्दा है जिहड़ा संसद में बड़े ही जोरदार तरीके नाल चक्या गया है ते इस मौके ते उन्हां दे हंजू भी किते ना किते दिखाई दे रहे सन। तो इसे विच जिहड़ा हुण मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले दे पिता बापू बलकौर सिंह दा बयान भी सामने आ चुका है। जी हाँ, उन्होंने वालों बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे मन नूं शांति मिली है। उन्होंने कहा कि इसी उम्मीद नाल उन्होंने वालों जिहड़ा चोन प्रचार किया गया सी। चोन प्रचार दौरान ही उन्होंने सवाल भी उठे सन, कई तरह दीआं जिहड़ियां सवालिया निशान कई तरह के जिहड़े विरोधी तंज भी कस रहे सन। पर उन्होंने कहा कि अपने पुत्र नूं इंसाफ दवाउण दे लई उन्होंने चोन प्रचार दे विच मदद जरूर की सी अते उह चाहुंदे सन कि इसे उम्मीद दे विच सन कि किसी ना किसी तरीके नाल ही उन्होंने पुत्र की मौत का मुद्दा है जिहड़ा उसनूं इंसाफ दवाउण का मुद्दा चख्या जाए, कोई उसते खुल के बोले। उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वालों जिस तरीके मूसेवाले नूं इंसाफ की मांग है जिहड़ी चखी गई है, इस दे नाल ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू बारे भी गलबात की। जी हाँ, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के वालों भी आख्या गया कि किस तरीके दे नाल जेल दे विचों जेल की सुरक्षा प्रबंधा से भी उन्होंने सवाल चके कि जेल दे विचों किस तरीके दे नाल एक गैंगस्टर जो कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम शरेआम धमकी दे रहा है कि उस वालों सिद्धू मूसेवाले का जिहड़ा कतल करवाया गया सी अते होर भी कतल की तैयारी दे विच ने, पर फिर भी सरकार चुप बैठी है, इंसाफ नहीं दिता जा रहा। सो इस दौरान जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे पिता बापू बलकौर सिंह दे वल्लों बयान जारी किया गया कि उन्हां दे मन नूं हुण बहुत शांति मिली है, उन्हां नूं उम्मीद है कि उन्हां दे पुत्तर नूं इंसाफ जरूर मिलेगा। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, देखते रहो लुधियाना लाइव।